नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10 का क्वेश्चन है। इसमें है कि इफ फिगर एक्स वाई इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डॉट वाई डॉट आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ पर है एंड अनदर टेंजेंट ए बी और दूसरा टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी से टच करता हुआ निकल रहा है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को इंटरसेक्ट करता हुआ आगे जा रहा है एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डॉट वाई एट पॉइंट बी प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको प्रूफ करना यहाँ पर है इस क्वेश्चन से कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री का है। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लें आप, इससे आप इसको ज्वाइन कर दें और यहाँ पर आप डाल दें हेडिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे लिख दिया ज्वाइन ओ सी, बस इतना कंस्ट्रक्शन करना है ओ सी, ठीक है ना। ओ सी इज परपेंडिक्यूलर ऑन ए बी, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। आपको प्रूफ करना है, आपका प्रूफ क्या होगा कि एंगल ए ओ बी जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे ओ पी ए, दो ट्रायंगल ले लें, एक ट्रायंगल ओ पी ए ले लें, तो इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास ओ सी ए, ओ सी ए, ओ पी ए, एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया ओ पी ए और दूसरा ट्रायंगल आपने ले लिया ओ सी ए, ट्रायंगल ओ सी ए। इस ट्रायंगल को आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहां पर आप देखें कि ओ पी ए और ओ सी ए में क्या मिल रहा है, आपके पास जो ओ पी है, ओ पी और ओ सी ये दो रेडियाई हैं, तो आप यहां लिख दें ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, दिस इज रेडियाई, क्लियर। सेकेंड चीज आपके पास है कि ए पी, ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए से जो पी है और ए से जो सी है ये टेंजेंट्स है, क्या है टेंजेंट, ठीक, ये इक्वल हो गया, टेंजेंट्स हो गया। अब दूसरा है हमारे पास ओ ए, ओ से ए इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो रहा है, तो आपने लिख दिया ओ ए, ओ ए इज कॉमन साइड, समझ आ गया। अब यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हो कि देन ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया से, राइट। अब सेकंड के आप चलते हैं यहाँ पर, तो आप लिखते हो कि ट्रायंगल पी ओ ए इज इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ ए और ये हो गया सी पी सी टी, इसको आप इक्वेशन वन मान सकते हो, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली आपके पास दूसरा ट्रायंगल यहां से लेते हैं, तो ओ क्यू बी एंड ओ बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी सी। इसी तरह से जिस तरह से हमने इसको लिया, इस तरह से हमने इसको भी ले लिया, ये भी एस 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 क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास यहाँ आ जाएगा देन क्यू ओ बी या ओ क्यू बी, ओ क्यू बी इज इक्वल टू, सॉरी क्यू ओ बी ले लेते हैं, एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्या जाएगा सी ओ बी, एंगल सी ओ बी सी पी सी टी से, ठीक है, ये भी सी पी सी टी हो गया, ये भी सी पी सी टी हो गया। अब इन ट्रायंगल्स में चलते हैं, एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एक डायमीटर है और स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहां पर आपने लिख दिया डायमीटर,
डायामीटर। अब देखें इन ट्रायंगल पर क्या बनेगा, इन ट्रायंगल्स पे आ जाएंगे आप पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी, ठीक है, प्लस एंगल क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो यहां पर 180 डिग्री कर लिया। अब देखें पी ओ ए, पी ओ ए इस ट्रायंगल पर चले जाएं तो यहां पर ये हो जाएगा टू एंगल सी ओ ए, टू एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इनको आप प्लस करें तो आपके पास निकल के आएगा टू एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी, ठीक है ना। अब एंगल सी ओ ए भाई टू से आपने क्या करा, इसको कैंसिल कर दिया, तो यहां पर आपके पास कितना हो गया एंगल सी ओ ए प्लस सी ओ बी, सी ओ बी आपने डिवाइड किया तो कितना हो गया ये 90 डिग्री हो गया। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है सी ओ ए और सी ओ बी, सी ओ ए और सी ओ बी का एंगल क्या जाएगा ए ओ बी बन जाएगा, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना जाएगा 90 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स टू वॉच।